पुराने दफ्तर एक गोरा उसकी नज़र तो ही महसूस हो जाता कोई खुंदक रखता। मैं नज़रअंदाज करता गया, एक दिन कोल ही आ गया। अखे सांझा कमरा है, तू सारा दिन इत्थे नहीं बैठ सकता, अपने कमरे में बैठिया कर। मैं अग्यों कुछ ना आख्या, मैनेजर नूं दस्या, ताखण लगी, मैनू पता है कि तेरी सोच बड़ी संवेदनशील है, पर एक गल दसदी हाँ, तैनू ऐसे लोग हर थां मिलणगे, चोभां लाउणगे, तेरे आत्म विश्वास का घाण करनगे, लत्तां खिच्चणगे, एकाग्रता भंग करनगे, बिना वजह तंज भी कसणगे, बोली कपड़ियां ते होर किन्नियां भी चीज़ां ते। एक तकनीक हुंदी है, पहला अगले नूं अपने पद्धर ते लियाओ ते फिर बेवजह संघर्ष विच उलझा ना पक्खी ऊर्जा नाल भर दिओ। आखण लगी, ओह बंदा तेरे नाल ही नहीं सगों होरनां नाल भी इंज ही करदा, उसनूं बस नज़रअंदाज करिया कर, ते जे फिर भी गल ना बने तां जरूर दसी। मैं इंज ही कीता, मुश्किल हल हो गई, एक बेवकूफ नूं जिंदगी विचों बाहर कढ़िया ते साह सौखा हो गया। सो दोस्तो, कदे भी ऐसियां लामतां नूं सारी जिंदगी इन्नी गल सोच अपने वजूद नाल ना चंबोड़ के रखो कि वह मेरा रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, जे छड़ दिता तां लोक की आखणगे। लोकां दी परवाह करदे करदे उह इंसान भावें तुहाडी मानसिकता नूं तहस नहस ही क्यों ना कर देवे। उस गोरी नूं अक्सर पुछदा कि तूं मेरी माँ दी उम्र दी है, अजे भी कम क्यों करी जांदी है। अगों आखदी, जदों तेरी उम्र दी सां तां बड़ी कमाई कीती, पर सांभी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं सी बुढ़ेपा की हुंदा। हमेशा सोचदी कि जदों इह आउण लगेगा तां जरूर दसेगा, पर जदों आया तां रातों रात ही भारू हो गया। हुण जवानी वेले कीती उस गलती दी कीमत अदा करी जांदी हां। अगों भी उस मैनेजर वालों आखियां अपने पल्ले बन्नियां होईयां ने तुहाडे नाल सांझा करन लग्गिया। नंबर एक, नकारात्मक लोग जिंदगी विचों बाहर कढ़न लग्गियां कदी दूजी वीर नहीं सोचिया। नंबर दो, जवानी वेले कीती कमाई विचों कुछ ना कुछ आउंदी जिंदगी वास्ते जरूर बचा के रख लेना चाहीदा है। भाई मरदाना शरीर छड्डन लगा तां बाबे नानक ने उसका सिर अपनी झोली विच रख पुछिया, मरदानिया हुण दो चार घड़ियां दा साथ है, मंग की मंगदा है। आखन लगा, बाबा एक चीज़ मंगदा हाँ, देवेंगा। आखन लगे, हाँ जरूर। आखन लगा, बस अपने तो कदी भी वख ना करी। फिर नाल ही शरीर छड़ दिता। बाबा नानक कल्ले ही रायपोई दी तलवंडी दी जूह विच आण पहुंचे, सारा पिंड इकट्ठा हो गया। भाई मरदाने दा मुंडा भी दौड़ा दौड़ा आया, मौका पा के पुछण लगा, बाबा अब्बा नहीं दिसदा, कित्थे है वो। आखन लगे, पुत्र वो सानू छड़ सदीवी सफर नूं तुर गया, पर उसने हर औख सौख विच साथ दिता। उस सेवा दे इवज विच कोई चीज़ मंगनी लोचना है तां मंग लै। उसने अगों ये नहीं पुछया कि मेरे बाप ने जान लग्या तैथों की मंगया सी, सगों ये आख्या कि मेरे अब्बे ने जान लग्या तैथों जो भी चीज़ मंगी होनी है कीमती ही होनी है, बस उही चीज़ मेरी झोली पा दे। आओ असी भी बाबे नानक को बस उही चीज़ मंगीए। सो दोस्तों, तुहानू साडी कहानी किस तरह की लगी अपने विचार कमेंट सैक्शन में जरूर दिओ, ते साडे चैनल नू सबसक्राइब करियो, फॉलो करियो। सो यह सी हरप्रीत सिंह जवंदा होना दी लिखी हुई कहानी। उम्मीद करदे हां तुहाडा अज दा दिन वधिया रहेगा।